हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है जो कैसे पेटीएम में बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। तो उससे पहले इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक करने ना भूलिएगा, क्योंकि आप लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो यहाँ पर जस्ट मैंने पेटीएम में वो ऐप्स को ओपन किया, तो उसके बाद आप देखिएगा पेटीएम बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट का ऑप्शन आया। तो अब ऐसे हम पहले पेटीएम में क्या करते थे, वॉलेट का काम होता था, पैसा ट्रांसफ़र करते थे, हम कुछ रिचार्ज वगैरह करते थे, लेकिन सब अवेलेबल है। उसके साथ एक बेहतरीन ऑफर कंपनी जो दिया है पेटीएम हमने, जो आपको बैंक के साथ आप जैसा बैंकिंग सिस्टम सेम यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग एक पेटीएम ले गया है। तो वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा आपको बताऊँ। आपका डिजिटल डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और ऐसा मैनुअल डेबिट कार्ड वो आपको मिलेगा, तो उसके लिए 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। तो उससे पहले मैं बता दूँ, जो जैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, हमको कहीं पे 5,000, कहीं पे 2,000, कहीं पे 1,000 रुपया बैलेंस रखना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो उसका एक चार्जेस बैंक कट करता है। तो यहाँ पे कोई जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ चार्जेस नहीं है फिलहाल। सो आपका यहाँ पे देखिए, मैंने एक बैंक ओपन किया है, तो आपका मेरा प्लैटिनम रुपए का डेबिट कार्ड है। यहाँ पे देखिए मेरा CVV नंबर दिया हुआ है, मेरा कार्ड नंबर दिया हुआ है, और मेरे पास अभी मैंने कुछ बैलेंस डाला नहीं, इसलिए जीरो दिखा रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो आप देखिए, यहाँ पे अकाउंट नंबर, हम लोग का नॉर्मल बैंक अकाउंट में क्या होता है, जो इतना बड़ा अकाउंट नंबर रहता है हम मतलब याद नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट नंबर, मेरा मोबाइल नंबर ही मेरा अकाउंट नंबर है जिसमें मैंने पेटीएम ओपन किया है, और IFSC कोड दिए, बहुत ईजी है, तो आप याद रख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए, और सेविंग्स अकाउंट में आप 4% इंटरेस्ट मिलता है, और फिक्स डिपोजिट में 7% इंटरेस्ट। और यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने कार्ड ऑर्डर किया है मेरा अभी तक आया नहीं, यह देखिए यहाँ पे मैंने कार ऑर्डर स्टेटस में क्लिक किया, देखिए कितना दूर तक मेरा कार आया है दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ बढ़िया है, जो आप बैंक के अकाउंट में जैसे नॉमिनी डाल सकते हैं, यहाँ पे नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। चेकबुक का रिक्वेस्ट आप यहाँ चेकबुक फैसिलिटी अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए इसके बाद यहाँ पर आप कैसे आप अकाउंट ओपन करें, जैसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है KYC के लिए, और इसको आपको ऐड करने के बाद उसको आपको या करके नियरेस्ट जो आपका पेटीएम का एजेंट है उसके पास से आपको वेरीफाई करने पड़ेगा। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे नियर बाई पेटीएम पॉइंट, तो यहाँ पे मेरे नज़दीक जो सब पेटीएम पॉइंट है उसका नाम दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। आपके नज़दीक जो है वहाँ पर जा कर के आप कि पेटीएम का आप अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका ओपन हो जाएगा KYC सबमिट करने के बाद। तो उसके बाद देखिए, और एक चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो देखिए यहाँ पे मेरा जो डेबिट कार्ड है वहाँ पे जिसको पिन वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिव योर कार्ड दिखा रहा है, देखो वो जैसे मेरे को कार्ड अगर मिलेगा तो मैं एक्टिव कर सकता हूँ उसको। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद अगर आपको पिन जनरेट कर सकते हैं, तो आने के बाद कैसे कार्ड को एक्टिव करें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर करने नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूँगा। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट।